गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 9 से 12 तक के ऑटोमोटिव सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 9th के सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो यूनिट 1 में है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल और पहियों के आविष्कार और इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें यूनिट 2 में है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ऑटोमोबाइल्स के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और एग्रीकल्चर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स इत्यादि के बारे में यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे मेजर सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ऑटोमोबाइल्स में कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम्स, और इन सिस्टमों में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इनके बारे में हम लोग यूनिट 3 में जानेंगे। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे रोड सेफ्टी के बारे में, यानी कि रोड के ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्राइविंग करते समय हमें किस किस प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए जिसमें एक्सीडेंट ना के बराबर हो, ये सब के बारे में हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल्स एंड आवर एनवायरनमेंट, यानी ऑटोमोबाइल्स के कारण एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और उन प्रभावों को हम कैसे कम कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग यूनिट 5 में जानेंगे। यूनिट 6 में है इंट्रोडक्शन टू व्हीकल मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, तो व्हीकल मेंटेनेंस और सर्विसिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 में। यूनिट 7 में हम लोग पढ़ेंगे इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट्स इन ऑटोमोबाइल्स, तो हम लोग ऑटोमोबाइल का जब से आविष्कार हुआ है तब से लेके अभी तक क्या क्या उसमें इनोवेशन एंड डेवलपमेंट आए उसके बारे में हम लोग यूनिट 7 में पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्लास 10th के सिलेबस की तरफ और देखते हैं यूनिट 1 में क्या है। तो यूनिट 1 में है ऑटोमोबाइल्स एंड इट्स कंपोनेंट, जो हम लोग 9th क्लास में ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में पढ़े वही हम लोग विस्तार से क्लास 10th के यूनिट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में है ऑटोमोबाइल सर्विस टूल्स, यानी कि किसी भी व्हीकल का सर्विस करते समय किस किस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है उसके नाम और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में है व्हीकल सर्विसिंग, यानी कि व्हीकल सर्विसिंग के प्रोसेस के बारे में यूनिट 3 में पढ़ेंगे। और यूनिट 4 में है कस्टमर सेल्स केयर के बारे में यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट्स, तो जैसे 9th क्लास में इनोवेशन एंड डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़े सेम वैसे ही क्लास 10th के यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 11th में हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है। तो यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ज्योमेट्रिक्स एंड ड्राइंग, तो हम लोग इंजीनियरिंग ज्योमेट्रिक्स के बारे में जानेंगे, उसके ड्राइंग और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, रियर व्यू के बारे में जानेंगे, कौन से पेंसिल और पेन का उपयोग किया जाता है ड्राइंग के लिए, कौन से पेपर का उपयोग किया जाता है, कौन से लाइंस का उपयोग किया जाता है, सेंटर लाइन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में फास्टनर्स के बारे में भी जानेंगे। यूनिट 3 में मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, तो ऑटोमोबाइल में जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो किस मेटल्स के बने होते हैं, इसके बारे में हम लोग यूनिट 3 में जानेंगे। यूनिट 4 में है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल है मल्टीमीटर, डायल गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इस प्रकार के और भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम लोग डिटेल यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम लोग रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एन इंजन, यानी इंजन को हम लोग व्हीकल के इंजन को हम लोग मेंटेनेंस किस प्रकार करेंगे कि इंजन अच्छे से वर्क करे। यूनिट 6 में रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। यूनिट 7 में है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ गियर बॉक्स। यूनिट 8 में है सर्विस ऑफ व्हील्स, यानी व्हील्स की सर्विसिंग कैसे करें, प्रोसेस क्या है। और यूनिट 9 में है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ट्यूब एंड टायर्स। यूनिट 10 में है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक्स, ये जितने भी सिस्टम एंड कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं इसकी मेंटेनेंस हम लोग कैसे करेंगे उसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे इन यूनिट्स में। अब हम लोग क्लास 12th के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला यूनिट है सर्विस मैनुअल, यानी कोई भी
वाहन खरीदते समय उसके साथ एक छोटा सा बुक दिया जाता है जिसे सर्विस मैनुअल के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें उस वाहन की विस्तृत जानकारी लिखी होती है। तो उस सर्विस मैनुअल में क्या क्या जानकारी लिखी होती है उसके बारे में हम लोग यूनिट वन में जानेंगे। यूनिट टू में है सर्विसबिलिटी, रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ इंजन कंपोनेंट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंजन का जब हम लोग सर्विसिंग करते हैं तो कौन से कंपोनेंट्स को हम लोग रिपेयर करके फिर से लगा सकते हैं या फिर उसको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करके नया कंपोनेंट लगाते हैं, इस कंडीशन के बारे में जानकारी हमें यूनिट टू में मिलेगी। यूनिट थ्री में है ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और उन कंपोनेंट का क्या काम है, इसके बारे में हम लोग यूनिट थ्री में पढ़ेंगे। उसी प्रकार यूनिट फोर में हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि सस्पेंशन सिस्टम क्या है, सस्पेंशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसके क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यूनिट फाइव में है ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं, जैसे हेडलाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, ये सब हो गए, ये सब किस में आएंगे, ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आएंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे यूनिट फाइव में। तो आई होप कि आप लोगों को 9th से लेकर 12th क्लास तक की ऑटोमोटिव सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।